माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत कसीदा बुर्दा शरीफ से आज हमने सोचा कि अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ करें, और आप इनको पूरे रमज़ान मुलाहिज़ा करते आए हैं। किन्ज़ा महफूज, इकरा कवल और सुमैया, आप तीनों का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और नाज़िक राम, आज जो कि हमारी ट्रांसमिशन आखिरी है, ईद कल होगी या परसों, ये तो अल्लाह पाक जानते हैं। हम क्योंकि पूरे रमज़ान आपके साथ रहे, हमने कोशिश की कि अपनी इबादत अल्लाह की बारगाह में इस तरह से करें कि हमारे गुनाहों की बख्शिश हो जाए। हमने क्या खोया क्या पाया, हमने ये सोचना है, ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए। लेकिन जो कि आज गुलदस्ता मेहमानों का और सराखानों का आज हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है, मैं चाहूँगा कि अपने मेहमानों से आपका तारुफ़ करवाऊँ। हमारी पहली शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, आपने इनको मुलाहिज़ा किया, पूरे रमज़ान आपने मुलाहिज़ा किया इनको, जो कि चाइल्ड एंड वुमेन प्रोटेक्शन के बानी भी हैं और बाखबर पाकिस्तान के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं, मेरी मुराद जनाब शाकिर सरानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम शाकिर भाई। शाकिर भाई, ये दिन ऐसा है कि अफसुर्दगी आपके चेहरे पर नुमाया है, यकीनन सभी के चेहरे पर, कि जब रमज़ान शुरुआत होती है रमज़ान की, तो हम चाहते हैं कि हम बहुत कुछ करें, लेकिन वल्ला आलम हमसे गलतियां होती हैं, क्योंकि इंसान गलती का पुतला है, कोई ऐसी गलती हो जाती है जो हमें पता नहीं होता, लेकिन अल्लाह पाक तो देख रहे हैं। जब रमज़ान का इख्तिताम होने वाला होता है तो हम रोते हैं कि मेहमान आया था, अब मेहमान दोबारा जा रहा है वापस, अब फिर एक साल के बाद आएगा, तो आज आपके चेहरे पर भी वही अफसुर्दगी, कैसा फील कर रहे हैं आप, क्योंकि रमज़ान की आखिरी। लेकिन भाई, रमज़ान ऐसा महीना होता है कि हज़ारों महीनों से बाबरकत होता है, और अब जो लैलतुल कदर की रात गुजरी है, तो इसमें तो ज़ाहिर है हज़ारों सालों से अफजल रात थी, और जो शख्स इस रात में अपने आप को बख्शवा नहीं सका, अपने माँ बाप को नहीं बख्शवा सका, अपने दोस्तों अजीज़ों को नहीं बख्शवा सका, मेरा ख्याल है वो बदकिस्मत ही होगा, बदनसीब भी होगा। ये ऐसी रात थी कि अल्लाह ताला लैलतुल कदर में कहता है कि मांगो मांगो जो मांगना है, तो वो देने वाली ज़ात है। अब जो नहीं मांग सका नहीं मांग सका, जिसने मांगा अल्लाह, बेशक शाकिर भाई बड़ी अच्छी बात आपने कही कि मांगने का सलीका भी होना चाहिए, वो अता करते हैं। बिल्कुल, आप मांगने का सलीका ऐसा रखिए, क्यों ना अता करेंगे, वो तो पूरी दुनिया के पालनहार हैं, बिल्कुल क्यों नहीं देंगे। नाज़िक राम, हमारी जो अगली शख्सियत है, मेरी बहन मजहबी स्कॉलर हैं, एडवोकेट सैयदा जहरा असगर, अस्सलाम वालेकुम भाजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तो तमाम आलम इस्लाम की खिदमत में और आप सब लोगों की खिदमत में ईद की एडवांस मुबारकबाद देना चाहूँगी, और इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम हम सब ने रमज़ान में जितनी नेकियां अंजाम दी हैं, जितनी इबादतें की हैं, परवरदिगार अपनी बारगाह में उसे कबूल फरमाए। बेशक बेशक। और ये रमज़ान वो महीना कि बाबरकत महीना कि जिसमें परवरदिगार आलम ने कहा कि तमाम महीनों से अफजल,
जिसके दिन तमाम दिनों से अफजल हैं और जिसकी रातें तमाम रातों से अफजल हैं। उस ज़ात वाजिब का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है कि हम सब ने वो बाबरकत अजीम रातें जिन्हें शब कदर कहा जाता है हम सब को अपनी ज़िंदगी में देखना नसीब फरमाई। यहाँ रिसालत में आपकी एक हदीस याद आ रही है कि रसूल अकरम फरमा रहे हैं कि ताज्जुब है मुझे उन लोगों पर कि जो अपनी ज़िंदगी में रमज़ान तो पाएँ मगर अपने गुनाहों की बख्शिश ना करवा सकें। तो ये रमज़ानी मुबारक में अगर हमने अपने आप को नहीं बख्शवाया अपने गुनाहों की बख्शिश नहीं करवा सके तो फिर हमने रमज़ान की फजीलतें रहमतें और बरकतें क्या हासिल की। पहले रोज़े से लेकर आज हम 29वें रोज़े में दाखिल हो चुके हैं। देखना ये होगा कि पहले रोज़े में हमारा तकवा किस मंजिल पर था। याद है ना कि सूरह बकरा में परवरदिगार आलम ने इरशाद किया है कि रोज़े इसलिए फ़र्ज किए गए कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। बेशक, बेशक। तो अब तकवा की किस मंजिल पर आ गए हम और आप, ये 29वें रोज़े को आया हमने वो हासिल किया या नहीं किया। परवरदिगार आलम ने जहाँ हमें बेशुमार नेमतें अता की वहाँ हमारे तौफीकात भी अता की। हम देखते हैं कि पूरे साल जो नेकी हम अंजाम नहीं दे पाते अपनी मसरूफियात की वजह से या कोताहियों की वजह से, मगर माह रमज़ान में हर इंसान जस्तजू करता हुआ नज़र आता है। हम देखते हैं हर इंसान अपनी हैसियत से बढ़कर कोशिश करता है कि माह रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल अंजाम दिए जाएँ, इन नेकियों को परवरदिगार अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मगर सबसे अहम लम्हे फिक्रिया ये है, आया हमने वो मुकाम हासिल किया या नहीं किया, हमने वो तकवा हासिल किया या नहीं किया, परवरदिगार आलम ने हमारी बख्शिश की या नहीं की। जैसा कि शब कदर में परवरदिगार आलम अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है, मलाइका निदा करते हुए नज़र आते हैं कि है कोई जो अपनी मगफिरत तलब करे, है कोई जो निजात तलब करे, है कोई जो सच्ची तौबा करे। कहा जाता है हदीसों में बयान है कि हर घंटे के बाद परवरदिगार आलम 70,000 लोगों की मगफिरत अता कर देता है। मगर लम्हे फिक्रिया ये है कि 4 लोग ऐसे हैं कि जिनकी मगफिरत नहीं है, जिनको तौबा नहीं मिलेगी। अल्लाह ना करे कि हम में से किसी का भी शुमार उन लोगों में हो। कौन लोग हैं वो कि जिन्हें माह रमज़ान मुबारक में मगफिरत हासिल नहीं हो सकेगी? लिहाजा पहले लोग वो हैं कि जो अल्लाह ना करे गुनाह ने कबीरा शराब नोशी किया करते हैं, बेशक, बेशक। शराबियों की मगफिरत नहीं है। बड़ी अच्छी बात कही भाजी आपने कि रमज़ान के दिन भी अगर हमने शराब नोशी ही करनी है तो फ़ायदा क्या है मुसलमान होने का। बड़ी अच्छी बात, गुफ्तगू का सिलसिला आपसे जारी रहेगा, लेकिन हम चलते हैं अपने दूसरे मेहमानों की जानिब। आज भी हमने अपने शो में जिन शख्सियात को मधु किया है उनका ताल्लुक सियासत से भी है और सोशल एक्टिविटीज़ भी करते हैं। जहाँ कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म की बात होती है तो आप वहाँ पेश नज़र आते हैं। मेरी मुराद है राणा मोहम्मद एहतिशाम साहब से। अस्सलाम वालेकुम एहतिशाम भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह पाक का शुक्र। आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। हमारे जो दूसरे मेहमान हैं सियासत से ताल्लुक़ है और अब तो वो हमारी गवर्नमेंट के मतलब हिस्सा क्या कह लें कि गवर्नमेंट में आ चुके हैं। आवाम पाकिस्तान की उनसे बड़ी उम्मीदें रखती है कि जो हमने पिछली हुकूमत से सीखा या गवाया शायद ये कुछ अच्छा सिखा के जाएं और कुछ दे के जाएं। मेरी मुराद है मेरे बहुत मोहतरम भाई, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मोहतरम जनाब इखलाक हाशमी, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। अस्सलाम वालेकुम इखलाक भाई। इखलाक भाई, आपसे ही आगाज़ करूँगा, जैसे कि शाकिर भाई और मेरी बहन से भी मैंने पूछा कि रमज़ान सियासत से हट के बात करूँगा, क्योंकि आज का दिन जो है वो मेरे ख्याल से हर मुसलमान के लिए बहुत अहम दिन है। जैसे कि शाकिर भाई ने कहा कि शब कदर की रात गुजरी, हमने बड़ी इबादत की होगी, इतनी इबादत की होगी कि हिसाब ही नहीं होगा, लेकिन क्या हम उस इबादत को करने के बावजूद हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अभी जो जिक्र हो रहा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो हमारे आखिरी नबी हैं और हम तमाम उनके उम्मती हैं, कोई शक मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले कल जो उनके रोज़ा मुबारक पर जहाँ वो वहाँ जो कुछ हुआ कल, हमें सबसे पहले एज ए मुसलमान होने के नाते, मैं किसी सियासी जमात का एक एज ए इंसानियत के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि हमें सबसे पहले उसकी मजम्मत करनी चाहिए। हम किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं,
हम किसी भी फिरके से ताल्लुक रखते हैं, हम किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। वहाँ तो नहीं है जो कल जो, 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 जो कुछ हुआ गुज़िश्ता दिनों जो जो, जो 27वीं रात को जो चोर चोर के नारेबाजी की गई वहाँ पर, देखें वहाँ पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको चाहते हैं वो बुलाते हैं, बेशक बेशक ये तो बुलाने की बात खुद कहते हैं। जब उन्हें हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान को और उनके वज़रा को वहाँ बुलाया गया और उनके लिए बाकायदा दरवाज़ा खुला, रोज़ा मुबारक दरवाज़ा खोला गया, तो फिर हम और वो कहने वाले, मैं कहता हूँ वो अगर उम्रा कर रहे थे तो मैं ये कहूँगा उनको उम्रा नहीं हुआ, और जिस तरह से प्लानिंग करके वहाँ हुआ कराया गया, और एक ऐसे शख्स ने कराया जो रियासत मदीना का नाम लेता था, जिसे सही तरह कलमा नहीं आता, जिसे सही तरह जो अल्फाज नहीं आते रसूल पाक, और उसी ने, और आज एक और बात बता दूँ, उसने आज मजम्मत नहीं की, उसकी तकरीर थी मुल्तान में कारकुनों से। अच्छा, उसने मुजम्मत नहीं की, मुजम्मत नहीं की, शेख रशीद ने मुजम्मत नहीं की, फवाद चौधरी ने मुजम्मत नहीं की, शेरी मजारी ने मुजम्मत नहीं की, और वो जो शहबाज गिल साहब हैं, तो हमें देखें, मैं किसी सियासी पार्टी के प्लेटफॉर्म से बात नहीं कर रही, मैं क्या एज ए मुसलमान और अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसके लिए हम अपनी जो ना जान भी कुर्बान कर देते हैं, बेशक। और दूसरा एक और मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक और हमारे के मजहबी तंजीम है जो जिनका नाम ही उन्होंने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रखा हुआ है, और उसके लिए वो काफ़ी जाने भी दे चुके हैं, उनकी तरफ से भी कोई मजम्मत नहीं आई है, उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया इतना बड़ा वाक़ होने के बाद कि कम से कम ये वो ऐलान कर देते कि जी इसके लिए हम जो है एहतजाज कर रहे हैं। अरे सर, उन्हें तो ये सारी चीज़ें देखें, ये मुल्क है तो हम हैं, और रसूल पाक सल्लम की जो हदीस जो उन्होंने कह दिया वो हमारे लिए हदीस है जो ना, वो जब आज मुझे बताएं कि बड़े बड़े जो चैनल्स हैं उन पर जो प्रोग्राम हो रहे हैं, बड़े बड़े उलमाए कराम रो रहे हैं, बड़े बड़े उलमाए कराम जो ना आप बोल चैनल पे जाए देखें कि उन्हें देख के मुझे खुद ही नहीं कि रोना आ रहा था कि यार क्या क्या किया है, क्या हुआ है कि हमारे मुल्क का नाम बदनाम हुआ है, वहाँ पर पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ है, वह पूरी दुनिया के मुसलमानों के लोग आते हैं, सब सरबराह अब तरक्की का सदर भी किया हुआ है, तो वहाँ किसी तरक्की के अगर जो मुखालिफिन हैं उन्होंने तो नारा नहीं लगाया वहाँ पर जो ना, तो ये इन चीज़ों को हमें जो है ना मजम्मत भी करनी चाहिए ताकि आगे हौसला अफजाई ना हो, तो ये मैं कहूँगा आपसे। बिल्कुल, आपकी बड़ी अच्छी बात कही तशाम, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके हवाले से, जो बड़ा एक नाखुशगवार वाक़े से कहेंगे, बल्कि एक मुसलमानों को टॉर्चर किया गया। शाकिर भाई, सियासत से मुबर्रा होकर ये बात करना चाहूँगा कि रियासत मदीना का दावा करते थे कि मैं रियासत मदीना बनाऊँगा, मैं ये करूँगा, लेकिन आपके ही लोग वहाँ पर जाके मस्जिद की तौहीन मदीना मुनव्वरा की तौहीन की गई, जो पूरी प्लानिंग की सियासत वहाँ ना की जाए, कई मुसलमानों का दिल दुखा है, बल्कि टोटल मुसलमान जो होगा, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपना अगर आप अल्लाह के घर जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह के लिए जाते हैं। सियासी जो है वो चीज़ अपनी जगह पे रखनी चाहिए इंसानों को, सियासी चीज़ों को अल्लाह के घर पर नहीं लाना चाहिए, ठीक है। अगर कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई अल्लाह के लिए इबादत कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आप अल्लाह की इबादत करें, बाकायदा आप जो अपनी सियासी गर्मा गर्मी है, ठीक है, उसको अब अपना अल्लाह के घर में ना लेकर आए, ठीक है। यार दोबारा से ले लो भाई, माइक 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 छोड़ दे, आपको माइक लगा हुआ है, चले वो कह रहे चल नहीं रहा, माइक लगा हुआ है, स्टार्ट अब दोबारा से इन्हीं से ले लें। जी तशाम भाई, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अल्लाह के घर जाते हैं तो आप वहाँ पे अल्लाह की इबादत करें, ठीक है, और वहाँ पर आप उम्रे के लिए जा रहे हैं, उम्रे की सदादत बहुत कम लोगों को नसीब होती है, वो अभी इखलाक में कहा कि बुलावा है, जाहिर सी बात है बुलावा होता है, ठीक है। बहुत लोग ऐसे हैं जो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा होता हूँ, फोटोग्राफ्स लगा रहे होते हैं, ठीक है, और चीज़ें लगा रहे होते हैं, और लोगों से इल्तजा करते हैं, दुआओं की दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपने घर में बुलाएं और हमें इबादत का मौका दें, और जो लोग गए हैं, ठीक है, उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो जितनी ज़्यादा हो सके इबादत करें, रमज़ान का महीना है, जितनी इबादत करेंगे उतना आपको सवाब मिलेगा। और मैं आपके प्लेटफॉर्म से भी मैसेज देना चाहता हूँ कि रमज़ान सिर्फ इबादत का महीना नहीं है, आप जो रमज़ान में इबादत करते हैं उस इबादत को 12 महीने कंटिन्यू रखें, आप अपनी नमाजों को कंटिन्यू रखें, आप इस्तग़फ़ार को कंटिन्यू रखें, ठीक है, आप अल्लाह के यहाँ, ठीक है, 12 महीने झुके रहें, ठीक है, ये बरकतें, ठीक है, सिर्फ रमज़ान में नहीं है, अल्लाह ताला ने कहा है कि जो जितनी मेरी इबादत करेगा मैं उतना उसके करीब होऊंगा, ठीक है, और अल्लाह को, ठीक है, अपनी इबादत बहुत पसंद है और अल्लाह ताला बहुत पसंद करते हैं ऐसे लोगों को। बिल्कुल एहतिशाम भी, आपका ये जो एक मैसेज है, मैं इस मैसेज को चाहूँगा कि क्योंकि वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर वक्फे का, जब हम वक्फे से वापस आएंगे तो यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।